कपास खली का उत्पादन इस साल करीब 4 करोड़ बोरी तक होने की संभावना है। बीते साल 3 करोड़ बोरी का उत्पादन हुआ था। इसके चलते आने वाले दिनों में कपास खली के दाम घटकर 1700 रुपये प्रति 60 किलो के स्तर के भी नीचे जा सकते हैं। दूसरी ओर सोयाबीन DOC 1 लाख रुपये प्रति टन बिकी थी, वहीं DOC 40,000 रुपये प्रति टन रह गई है। कपास खली व्यापारियों का कहना है कि इस साल कपास का उत्पादन करीब 3,50,00,000 गांठ के आसपास है। देश भर में अभी कपास की आवक 80,000 गांठ के करीब हो रही है, जो 15 नवंबर के बाद बढ़कर 1,60,000 तक होने की उम्मीद है। वहीं 1 दिसंबर तक कपास की आवक 2 से 2.25 लाख गांठ प्रतिदिन होने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए कपास और कपास खली में आगे भारी मंदी के आसार हैं। फिलहाल छुटपुट मांग रहने से कपास या खली में सुधार देखने को मिल रहा है। कपास खली इंदौर 2250 तो देवास में 2250 तो उज्जैन में भी 2250 पर दिखने को मिली है। वहीं खंडवा में भाव 2200 रुपये रहा तो बुरहानपुर में भी 2200 रुपये के आसपास देखने को मिला, जबकि अकोला में दाम 3150 रुपये के आसपास देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।